देख लेते हैं कि कैसे आईपीएस, जो अगर आपका आईपीएस होस्टिंग है तो इन दैट केसेस आईपीएस होस्टिंग में कैसे एक वेबसाइट को मतलब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, सीएमएस इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ कुछ भी मतलब कोई भी इंस्टॉल सीएमएस आप कैसे इंस्टॉल कर पाओगे तो वही दिखाते हैं। सो ये रहा, आप यू कैन सी दिस की आईपीएस का ये है लाइक IPS का आपका कंट्रोल पैनल है, इसी पैनल है। सो इफ आई वांट टू इंस्टॉल वर्डप्रेस तो यहाँ पे आपको काफी सारा देखो सीएमएस का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, जैसे कि वेबली जैसे अदर्स जो सेक्शन है वो है। तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस को सिलेक्ट किया एंड आई हैव क्लिक्ड इनटू द वर्डप्रेस एंड देखो क्या हो रहा है। This page will come, right? तब जब आपको ये सेक्शन आ जाता है आपको सिर्फ इंस्टॉल में क्लिक करना होता है। जस्ट इंस्टॉल क्लिक्स एंड आप देखते हो कि ये शेयर सर्वर है तो काफी सारे स्टूडेंट के साइट भी यहाँ पे है। तो आई एम सिलेक्टिंग योर साइट, देयर इज अ गैलेक्सी वेब इन्फोटेक, ओके। सो उसके बाद ये डिफॉल्ट कुछ एडऑन्स आपको दे देते हैं प्लगइन्स के तौर पे। सो इफ यू वांट टू टेक इट यू कैन टेक, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, बाद में हम लोग कर लेंगे। ये एक्चुअली प्रमोशंस का है, ये फ्री सेक्शंस आपको इंस्टॉल करा लेते हैं, बाद में पेड सेक्शंस आपको डालेगा। तो आई डोंट रिक्वायर दैट थिंग्स एट दिस मोमेंट, फ्यूचर में जरूरत होगी तो आई कैन ऐड एनी टाइम। ये सेक्शन आता देन वी आर क्लिकिंग इनटू द कंटिन्यू एंड ये अभी नहीं हो पाएगा बिकॉज ये अभी तक का वो नेम सर्वर राउट नहीं हुआ है, इसके कारण वो नहीं होगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करके बाद ये आपका इजीली आपके यहाँ पे आपका जो साइट का नाम है ये आपको यहाँ पर डाल देना पड़ेगा, गैलेक्सी वेब इन्फोटेक ऐसे दे देंगे। यूजर नेम में जो यूजर नेम आप मांगते हो तो वो पर्टिकुलर यहाँ पे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। एंड ईमेल आईडी जो आपका है skraj1994@outlook.com, उसके बाद पर्टिकुलर पासवर्ड माइट बी skraj123 इनिशियल के लिए दे रहे हैं, बाद में वो चेंज कर सकते हो। देन यू हैव टू जस्ट क्लिक इनटू द इंस्टॉल नाउ, जैसे आप इंस्टॉल नाउ में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इट विल टेक a little bit time for the getting installed. You can see this, you can see in upper sections wo install ho raha hai and notifications bhi aapko aa jayenge, theek hai. So isse kya aapko ek aaram se koi bhi site chahiye, you can see the installations already under process, theek hai. So wo aapka installation ho raha hai, theek hai. So the instruction is underway. So इसी basis पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी आपको भी एक साइट पे you can host and you can start your website within few minutes, आपका साइट बन सकता है टेक्निकली। हाँ, उसको सजाने में, उसको थीम इंस्टॉल करने में, मेनू सेटअप करने के लिए वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट टेक्निकली एक साइट बनाने के लिए आपके मतलब 10 मिनट के इजीली आपको ये मिल सकता है, बन सकता है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, राइट, चलो।